टू वेलोरमां अमित शाह तमिलनाडुना मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने निशाने लीधा हता। अमित शाहे कहू छे कि मोदी सरकारना 9 वर्षमां भ्रष्टाचार शून्य रह्यो अने डीएमके कांग्रेसे 12,000 करोड़ रूपयानी लूंट चलावी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडुना वेल्लोर पहोंच्या हता। अहीं तेमणे मोदी सरकारे 9 वर्षमां करेली कामगीरीनी चर्चा करी हती। अमित शाहे तमिलनाडुनी कांग्रेस डीएमके सरकार पर 12,000 करोड़ना भ्रष्टाचारनो आरोप पण लगाव्यो हतो। कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G 3G वोट की पार्टी है। के मारन परिवार 2G है, इसके दो जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। करुणानिधि परिवार 3G है, इनके 3 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन करने का काम कर रहे हैं। और गांधी परिवार 4G है, ये राहुल बाबा 4th जनरेशन है, 4 जनरेशन के पॉलिटिक्स में सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। अमित शाहे वेल्लोर मां नवा संसद भवन मां स्थापित करवामां आवेला सेंगोल ने टांकीने मोटो तमिल कार्ड पण खेल्यू छे। 2024 में फिर से एक बार 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। आप तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में सिंगोल के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहे कहूं छे कि मोदी सरकारे इंडिया सर्विसेज NEET CAPF जेवी तमाम मोटी परीक्षाओ तमिल भाषामां आपवानी मंजूरी आपी छे। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में किसी भी देश में गए हो अपने भाषण के अंदर तमिल साहित्य, तमिल महापुरुष और तमिल संस्कृति की महानता की बात समग्र दुनिया के सामने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी ने सौराष्ट्र में तमिल संगम आयोजित करने उल्लेख करीने कहूं छे कि आ आयोजन पाछळ पीएम मोदी नो उद्देश्य तमिलनाडु ने समृद्ध संस्कृति और साहित्य ने गुजरात और यूपी सुधी पहुंचाड़वानो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।